भारत के गांवों के स्कूलों की दयनीय स्थिति आप सबको पता है, लेकिन आज एक ऐसी न्यूज आई है जिसे सुनकर दिल में थोड़ी सी उम्मीद जागी है और एक गर्व भी महसूस होता है। ये खबर उतनी अच्छी नहीं है, शायद आपका सर शर्म से झुक जाए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गर्व करने के लायक है। ये बात है हरियाणा के रिवाड़ी जिले के एक गांव की, गोथारा तिपना दहिना, जहां पर 80 बच्चियां जो 12 से 18 साल की उम्र में है पिछले 7 दिनों से 10 मई से अनशन पर बैठी है। और इनकी डिमांड क्या है, ये अपने स्कूल को 10वीं से 12वीं तक का बनाना चाहती है। मैं सैल्यूट करता हूं इन सब बच्चियों को जिन्होंने अपने हक को जाना और उसको लड़ने के लिए इतनी कम उम्र में बाहर निकल कर आई है। मैं आपको बताता हूं पूरा किस्सा है क्या। यह स्कूल इस गांव में सिर्फ 10वीं तक का है, यहां की बच्चियों को 4 से 5 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में जाना पड़ता है अगर उनको इसके आगे पढ़ना हो तो। लेकिन रास्ते में एक शराब का ठेका है और इसके साथ साथ काफी मनचलों का दबाव भी पड़ता है, रास्ते में आने जाने पर इन्हें छेड़ा जाता है, जिसके कारण ये बच्चियां परेशान रहती है और काफी अभिभावक उन्हें स्कूल जाने से मना करते हैं। तो इन बच्चियों ने बीड़ा उठाया है कि प्रशासन से मांग करेंगी आमरण अनशन पर बैठकर। पिछले 7 दिनों से ये अनशन पर है, 80 में से 25 बच्चियां अस्पताल जा चुकी हैं और इनकी जिद तो देखिए, सरकार की एम्बुलेंस लेने से भी मना कर दिया है। जो नंबर लिख के डालते हैं और कुछ कुछ अनाप शनाप बोलते हैं, रास्ते में एक शराब का ठेका भी खुल चुका है, हमें बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ बहुत सी दिक्कत आती है वहाँ पे, हमारे साथ हर तरह का भेदभाव होता है, हर तरह का भेदभाव होता है। जब रास्ते में आते हैं तो लड़के भी, जो समाज के तो लोग होते वो भी हमें बहुत ही परेशान करते हैं। हम हमारी फैमिली को बताते हैं, फैमिली बोलती है रोज कौन उनके साथ लड़ाई करेगा, क्यों स्कूल घर छोड़ के बैठ जाओ, क्यों बैठे, हमारी भी तो लाइफ है, हम भी तो अपनी लाइफ में जीना चाहते हैं ना, क्यों लगा रखा है नारा हर जगह, मोदी जी लगा रखे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हर जगह पे यही नारे लगा रखे हैं, क्यों लगा रखा है फिर जब इन पे कोई अमल ही नहीं करता। मतलब कि ऐसा लग रहा है कि नारी आंदोलन जो शक्ति का आंदोलन है उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ रहा है, जहां पर ये बच्चियां भारत का एक नया इतिहास, एक भारत का नया वर्तमान लिख रही है। जब ऐसी बच्चियां खड़ी हो जाएंगी तो चाहे कोई भी सरकार हो उन्हें झुकना ही पड़ेगा। आखिर सरकार स्कूल बनवा क्यों नहीं रही है? सरकार की एक गाइडलाइन है कि जिस स्कूल में 100 से कम बच्चे आर्ट्स में और 150 से कम बच्चे साइंस में हो वहां पर आप स्कूल नहीं बना सकते। 3000 की गांव की आबादी वाला ये जो छोटा सा गांव है, ये इतनी संख्या लाएंगे कहां से? लेकिन गांव वालों को कहना है कि संख्या भी आ जाएगी, लेकिन जो सरकारी स्कूल है उसमें 21 स्थान है शिक्षकों के, जिसमें से अभी भी केवल 8 ही भरे हुए हैं, यानी कि 13 भरे नहीं हुए। यहां से हमें दिखता है कि खट्टर बीजेपी सरकार भी कांग्रेस की तरह उतनी सीरियस नहीं है। आपको यह जान के बहुत ताज्जुब होगा कि बेटी बचाओ बेटी अभियान का नारा जो भारत के प्रधानमंत्री ने दिया था वो रेवाड़ी से ही दिया था, और रेवाड़ी के गांव में अगर बच्चियों को 7 दिन तक अनशन पर बैठना पड़ता है अपने स्कूल की डिमांड के लिए, अपनी सिक्योरिटी की डिमांड के लिए, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी शर्म की बात है। अब ये न्यूज इतनी सनसनीखेज नहीं है, हम इसको शायद ऐसे ही छोड़ देंगे और आप भी एक बार कहेंगे अरे तो होता ही रहता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का भविष्य सुधरे तो हमें इन मुद्दों पर आना होगा। ये मुद्दे शिक्षा, स्वास्थ्य, आपके घर में बिजली, पानी, आपकी नौकरी, जब तक हम इन मुद्दों पर बात नहीं करेंगे हमारे देश का विकास नहीं हो सकता। उसके बाद चाहे मोदी आए चाहे कोई और आए, आपको जागृत होना पड़ेगा। अभी आपके ऊपर है कि आप गोठारा की इन बच्चियों के लिए अपनी आवाज उठाते हैं या नहीं। धन्यवाद दोस्तों, साइनिंग ऑफ टुडे, थैंक यू वेरी मच।